अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से कई सालों पहले मैं और मेरा दोस्त सैफुल्ला हम दोनों बाइक से ही अपने गांव से रायबरेली जाते थे और बाइक से रायबरेली आते थे और रायबरेली में घूमना फिरना, शॉपिंग करना, मूवी देखना, मस्त इंजॉय करते थे। तो आखिरी बार हम लोग कब बाइक से रायबरेली गए थे हमको याद नहीं है, तो आज बहुत सालों बाद मौका लगा कि हम दोनों जन रायबरेली बाइक से जाएँ, क्योंकि आज घर वाले जा नहीं रहे, हम दोनों जन अकेले जा रहे हैं। हमारी कई सालों की पुरानी दोस्ती है, तो आज सारी पुरानी यादों को हम ताज़ा करेंगे और एंजॉय करेंगे। तो हमारे गांव परसेपुर से रायबरेली टोटल 30 किलोमीटर दूर है और ये सब जो बस खड़ी है देखो, ये सभी जाती है रायबरेली जाती है, लेकिन भैया इतना हाथ में होता नहीं, बस निकल गई है। अब हम पहुँच चुके हैं सिविल लाइन, ये सारे रोड जाते हैं देखो, इलाहाबाद, निशा, लखनऊ, मथुरा, जाता है इलाहाबाद की तरफ और ये लखनऊ। दोस्तों आ गए डॉक्टर राजेश गुप्ता, इनको दिखाना है सैफ को। यहाँ हमको नंबर लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगती है, यहाँ पहले नंबर ले लेते हैं। दोस्तों में सुबह सुबह आए थे, मतलब 8 बजे घर से निकले, 8:30 बजे पहुँच गए यहाँ, और नंबर लिया तो हमारा नंबर कितना है पता है, 29। कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाएगा हमारे नंबर आने में, तो तक हमको वेट करना पड़ेगा क्योंकि पहले से बहुत लोग देखो वेटिंग में बैठे हुए हैं। तो हमारा नंबर आने में काफ़ी टाइम है, तो हम लोग थोड़ा बाहर आ गए टहलने के लिए, धूप तो काफ़ी तेज़ है। और हमारे देखो यहाँ पद्मश्री मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम रायबरेली, यहाँ पे इसी के बगल में गली गई है, यहीं पर है डॉक्टर वहाँ पर, और स्टेडियम है यहाँ पर, क्रिकेट स्टेडियम है, क्रिकेट का यहाँ पर हर स्पोर्ट होता है शायद ना, सारे स्पोर्ट होते हैं यहाँ पे ना। इसके अंदर मैं भी गया हूँ एक बार क्रिकेट का मैच देखने, काफ़ी साल पहले। और ये है जेल रोड, इसी रोड पे आगे जेल भी है यहाँ रायबरेली का। तो हम लोगों ने यहाँ पे गरम गरम गर्मी में गरम गरम चाय पी ली, अब हम फिर चलते हैं डॉक्टर के यहाँ। सैफ अंदर डॉक्टर के यहाँ लाइन लगा के बैठे हैं, मैं बाहर आ गया क्योंकि मुझे कुछ वीडियो अपलोड करनी थी और यहाँ नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है, जब से यूपी आया हूँ वीडियो अपलोड करने में बहुत परेशानी होती है, कभी नेटवर्क आता है, कभी 5G आता है, कभी नहीं आता है, इसलिए थोड़ा बाहर आ गया मैं। और आप लोग बोल रहे हो क्या ब्लॉग दिखा रहे हो, परसेपुर से रायबरेली तक आने का ब्लॉग दिखा रहे हो। दोस्तों से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई है, आज से करीब 15-20 साल 25 साल पहले की बात है, 20 साल तो हो ही होगा, आज से कई सालों पहले की बात है जब हम थोड़ा यंग थे, मतलब जवान थे, उस वक्त मैं और सैफ हमेशा, सैफ के पास एक राजदूत थी, आज भी राजदूत खड़ी है, चलती है कि नहीं चलती पता नहीं, राजदूत खड़ी है। तो शायद आप लोग बहुत लोग राजदूत बाइक के बारे में जानते भी ना हो कि राजदूत भी बाइक होती थी, तो राजदूत के घर पे उसी राजदूत से हम लोग परसेपुर से रायबरेली आते थे, यहीं दिन में घूमते थे, फिरते थे, शॉपिंग करते थे, मूवी देखते थे, खाते थे, पीते थे, मतलब फुल इंजॉय करते थे। तो वही आज याद मुझे ताज़ा करनी थी, मुझे याद भी नहीं कि आखिरी बार हम लोग बाइक से परसेपुर से रायबरेली कब आए हैं, मुझे तो याद नहीं है, शादी से पहले शायद कभी आया होगा। आज कई सालों के बाद मौका लगा कि बाइक से आना है रायबरेली, तो हम लोग आ गए बाइक से और मेरी सारी पुरानी यादें एकदम ताज़ा हो गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन आज हम लोग शॉपिंग करने या घूमने मूवी देखने नहीं आए, आज हम लोग आए डॉक्टर के पास उनको दिखाना था, तो जैसे मेरा प्रॉब्लम चल रहा है इसका कैंसर का, आप लोग को पता है उनका भी सीने में कुछ तकलीफ रहती है, उसका प्रॉब्लम चल रहा है, उसकी दवा चल रही है, वही दिखाने आए हैं। शायद आप लोग को मेरी छोटी स्टोरी हमारी दोस्ती वाली शायद अच्छी लगी हो, तो हमारी दोस्ती की बहुत सारी स्टोरियाँ हैं, ये तो छोटा सा एक स्टोरी थी, धीरे धीरे बताऊँगा जैसे जैसे याद आएगा। वैसे मैं तो मुंबई में रहता था, मैं वहीं पढ़ाई मेरी होती थी, लेकिन गर्मियों की छुट्टी में हर साल अब्बा यहाँ लेके आते थे, तो जब भी 2 महीना 3 महीना रुकते थे तो समझ लो मैं और सैफुल्ला हम लोग दिन भर साथ में घूमना फिरना रहना, सब दिन भर हम लोग का साथ में 2-3 महीना रहता था, तो काफ़ी इंजॉय हो जाता था। और उस वक्त कैसा था, कोई टेंशन नहीं रहता था, न घर का टेंशन, न घर ना ज़मीन का टेंशन, ना पैसे का टेंशन, ना बीवी बच्चों का टेंशन, ना भाई बहन से लड़ाई झगड़े का टेंशन, कोई टेंशन नहीं था, एकदम मस्त मौज करते थे, घूमते थे, करते थे। तो वो वक्त वापस तो आएगा नहीं, वो वक्त वो ज़माना अलग ही होता है। आज भी बहुत से बच्चों का वो ऐसा वक्त चल रहा होगा इंजॉय करने वाला, तो बच्चों आप लोग इंजॉय मस्त कर लो, आगे चल के ना लाइफ में बहुत परेशानियाँ आने वाली हैं, बहुत दुख तकलीफ आने वाले हैं, पढ़ाई लिखाई वाला पीरियड सबसे अच्छा होता है, इंजॉय करो बच्चे लोग आप लोग, नहीं तो आगे चल के बहुत परेशानी होगी। तो आज मैं भी अपनी वो लाइफ को थोड़ा याद करके खुश हो ले रहा हूँ, खुश हो गया, अंदर से खुशी आ गई, बहुत कुछ याद आ गया मुझे आज। और बहुत लोग पूछ रहे थे आपके सगे भाई हैं, फ्रेंड हैं, क्या है, तो मैं कई वीडियो में बताया लेकिन आप लोग शायद समझ में नहीं आ रहे हैं,
कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मतलब समझ लो सबके लाइफ में कोई ना कोई एक बेस्ट फ्रेंड होता है, हर इंसान के होता ही होता है। तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ऐसा फ्रेंड जिसको हम अपने दिल की बात, अपने हाल के राज सब बता सकते हैं। बहुत सी बातें ऐसी होती जो हम अपने बीवी बच्चों को भी नहीं बताते, लेकिन अपने दोस्त को बताते हैं। ये वैसा दोस्त है मेरा जिसको हर एक बात बता सकता हूँ मैं, मेरा एकदम बेस्ट फ्रेंड है। तो बेस्ट फ्रेंड है तो भाई ऐसा ही है, भाई है, सगा नहीं है तो क्या होगा, भाई है मेरा वो। तभी हम आते हैं और अपने दोस्त के यहाँ रुकते हैं और रह कर जाते हैं। तो आप लोग क्लियर कर दो कि मेरा ये बेस्ट से बेस्ट मेरा मेरी जान है, समझ लो आप मेरी जान है ये। तो आप लोग कभी कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, उसका नाम भी लिखना आप लोग। एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि ये रायबरेली है, यूपी में दो बरेली है। मैं कई वीडियो बताया लेकिन सब लोग ये समझते कि मैं बरेली शरीफ में हूँ, इसको बोलते हैं बांस बरेली, बरेली शरीफ। तो ये बरेली शरीफ नहीं है, बांस बरेली नहीं है, ये रायबरेली है। यूपी में दो बरेली है, एक बांस बरेली, एक रायबरेली। ये रायबरेली वो है जहाँ से अभी राहुल गांधी चुनाव में जीते हैं, वो वाला रायबरेली है ये बरेली शरीफ नहीं है। तो आप लोग क्लियर कर दूँ, ये बहुत लोग बोलते हैं बरेली शरीफ में, आप मुलाकात कर लो, तो ये बरेली शरीफ नहीं है। उसको सब लोग भीड़ लगा के बैठे हैं, लग रहे हैं, मूवी भी चल रही है। देखो हमारे मिथुन दा की मूवी चल रही है, सैफुल्ला देख रहे हैं बस। बहुत दिन के बाद यादें आ रही हैं। देखो कब नंबर आता है, 100 बजने वाला है। दो वाले गंडो आ गए बाहर, डॉक्टर की फीस जो है तो है ही है, उससे महंगी दवा 2000 की खाली दवा, डॉक्टर की फीस अलग। वो गए भाई इनका सेवा, चलो यही होता है भैया, डॉक्टर के यहाँ एक बार आओ और लुट के जाओ। तो हम लोग सुबह यहाँ 8:30 बजे आए थे, 11:30 बजे निकल रहे हैं अब। और धूप जो है ना एकदम अब एकदम ख़तरनाक वाली धूप है। तो भैया हम लोग चलते चलते आ गए अब नेहा जूस के स्टोर पे, यहाँ कुछ जूस वगैरह पियेंगे। तो सबसे पहले आ गया भैया अपना मौसम्बी जूस लाओ, और अब आ गया हमारा बनाना शेक। तुम्हारे दो पी रहा है मौसम्बी एक बनाना, एक ही पी रहे हैं, गलत बात है ना, दो पीना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम पेट्रोल, तो आज हम लोग लगाएंगे जीरो में पेट्रोल, तो आज हमारी कोई टंकी फुल हो जाएगी, ख़त्म नहीं हो रहा भैया। अच्छा है भैया, तो टोटल इसमें 15 लीटर पेट्रोल आया है, बिल बना है 1400 रुपया। बहुत गर्मी भैया, ये हमारा देखो भैया यूपी का हैंडपम्प, बढ़िया पानी निकालो वहाँ धुलो। तो हम लोग यहाँ रास्ते में रुक गए हैं तो चाय वाय पीते हैं, क्योंकि चाय के बिना अपनी गाड़ी चलती नहीं है। तैयार हो गई हमारे घर में चाय, आ गई भाई हमारी चाय। चलो एक एक सुखा लगाते हैं फिर निकलते घर। दोस्तों दोपहर के 1 बज गए और इतनी गर्मी हम लोग चल के आए गाड़ी से, हालत ख़राब हो गई। हम आ गए अपने गाँव, लेकिन इनको जाना था अपनी ड्यूटी पे ऑफिस। हम आ गए परसदेपुर नगर पंचायत परसदेपुर के कार्यालय, क्योंकि दवा के साथ साथ काम भी जरूरी है, इनको ऑफिस जाना था। तो हम घर में जाके, ये देखो ये ऑफिस है नगर पंचायत परसदेपुर। तो अपनी ड्यूटी पे आ गए, हम लोग घर भी नहीं गए, खाना वाना भी नहीं खाया भी। तो ऑफिस में आ गए भैया हम लोग, यहाँ पंखा भी लगा है और ये देखो पीछे एसी भी लगी है, एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल है। बाहर बहुत गर्मी थी, हमको 30 किलोमीटर समझ लो, हम लोग रायबरेली 30 किलोमीटर आए, और आज का टेम्परेचर है 47 डिग्री सेल्सियस। और सबको दिखा गया है दवा लेकर सीधा काम पे, सीधा अपनी ड्यूटी पे काम चालू ले रहे हैं। यहाँ के बाबू हैं, बाबू बाबू लोग काम यही रहता, लिखा पढ़ी करते रहो। बड़ा मेहनत वाला काम है यार। तो हमारा जो भाई का खाना पीना हो गया, हम आराम कर रहे हैं और सैफुल्ला फिर से चले गए ऑफिस काम पे। तो आज हम लोग अकेले रात भी गए और अकेले आए, अकेले घूमे, काफ़ी सारे बात बहुत अच्छा लगा। हमारी दोस्ती आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।